और आज हम कोई आर्टिकल नहीं करने वाले आज हम सिर्फ और सिर्फ रिविजन करेंगे तो इफ यू ऑल आर रेडी हैंड इन द बॉक्स सेक्शन देन वी विल स्टार्ट और बाद आप सभी को करना क्या है बहुत ही इंपॉर्टेंट काम यानी कि इंग्लिश बाय शालिनी मैम जो आपका टेलीग्राम चैनल है इसको जरूर फॉलो कर लीजिए क्योंकि इसका पीडीएफ पूरा पूरा आपको मिलने वाला है मतलब सारी वो कैप्स एक पीडीएफ में आपको मिल जाएंगी जो अभी अलग अलग पीडीएफ जैसे आप लेते हो तो ये जो स्पेशल क्लास होती है ना इसीलिए होती है कि आपको सारी वो कैब जाएगी? एक ही जगह पे मिल जाएंगी, राइट एवरी वन तो चलिए स्टार्ट करते हैं और और एक चीज़ और. Revision में मैं आप लोगों को जो दूंगी वो दूंगी वो सिर्फ और सिर्फ ट्वेंटी सेकेंड्स का क्योंकि रिविजन है तो आप लोगों को भी तो गेस करना होना चाहिए ना yes no? ये करें चलो पहला वर्ड है एनकोमियम एनकोमियम का मीनिंग क्या होता है फटाफट से बताएं एवरीवन, एनकोमियम फास्ट एवरीवन, क्विक 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 ओके टाइम्स अप सो व्हेन वी टॉक अबाउट एनकोमियम इट इज काइंड ऑफ अ ट्रिब्यूट और स्पीच दैट हाइली प्रेजेस समवन मतलब एक तरीके की ऐसी स्पीच जो किसी को ट्रिब्यूट देते हैं जैसे आप लोग फिल्म स्टार्स की आ, आईफा आइफा ये सारी चीज देखते हो तो ना श्रीदेवी अब नहीं रही तो उनको एक ट्रिब्यूट देना also, also, जो लेजेंडरी हैं, उनको ट्रिब्यूट देना एकलेट करना, ट्रिब्यूट प्रेज करनाशन ये इसका क्या है एंटनी में सो डिलीवर्ड एंड एनकोमियम हाईलाइटिंग दी अचीवमेंट एंड वर्च्यूज ऑफ ऑनर्ड

को ज्यादा टाइम हो गया स्टोक का मीनिंग बताए हुए और आप लोगों ने आई होप आंसर कर भी दिया होगा तो चलिए स्टार्ट करते हैं स्टोक मतलब होता है टू तो और स्टिमुलेट ग्रोथ किसी भी के ग्रोथ किसी का डेवलपमेंट किसी की इंटेंसिटी जैसे कि इमोशंस टेंशन एक्टिविटीज एवरीथिंग एवरी थिंग का स्टोक कर देना यानी कि उसको और एनकरेज कर देना सो फ्यूल किंडल स्टूलेट वो कहते हैं ना आग में घी डालना तो आग और तेज भड़कती है

सी क्या होता है time already हो चुका है फटाफट फड़ से बताइए फटाफट से. एक में टाइम लग गया इसका मतलब ये नहीं कि मैं सब में टाइम दोने वाली हूँ. ये भी याद रखना चलो टाइम अपन वी टॉक अबाउट कॉम्प्लेसेंसी स्मग और अनक्रिटिकल सेटिस्फैक्शन मतलब

फटाफट फड़। सिनोनिम एंटोनिम सेंटेंस सब कुछ है सो उसी हिसाब से अपना करना ठीक है रेकॉन ओके टाइम्स अप व्हेन वी टॉक अबाउट रेकॉन टू कंसीडर और थिंक अबाउट समथिंग इन अ पर्टिकुलर वे टू रिगार्ड और डीम कहने का मतलब है किसी चीज को कंसीडर करना एस्टीमेट लगाना कहते ना अनुमान लगाना किसी चीज का कैलकुलेशन के सेंस में आता है रेकॉन ठीक है और लेकिन अगर आप उसी चीज को इग्नोर कर रहे हो निग्लेक्ट कर रहे हो डिस हो तो वो क्या हो जाएगा उसका इंटरनेम शी ट्राई टू रिकॉन दी टोटल कॉस्ट कॉस्ट ऑफ ऑफ प्रोजेक्ट उसने क्या कोशिश करी कॉस्ट कितनी आएगी टोटल प्रोजेक्ट की उसका एस्टिमेशन लगाने की उसने अनुमान लगाने की कोशिश करी बिफोर प्रेजेंटिंग इट टू दी टीम तो कौन मतलब अनुमान लगाना या कैलकुलेशन नेक्स्ट इज हॉबल्ड हॉबल्ड क्या होगा फॉर अवर एवरी हॉबर्ट जल्दी से बताएं ओके okay. तो जब हम हॉबर्ट की बात करते हैं हॉबर्ट का मतलब क्या हो गया टू वॉक और मूव विद डिफिकल्टी ऑफन ड्यू टू अ लिंप और सम हेंड्रेस

हफ्तों तक शी हॉबल्ड, राइट इसको हम एज एन एडजेक्टिव भी यूज कर सकते हैं नेक्स्ट वर्ड इज टाडी टाडी बताइए क्या होता है फटाफट यू ऑल हैव ट्वेंटी ये सारे है हमारे पढ़े हुए हैं फटाफट ओके धीरे so मतलब or, or मतलब धीरे करके आगे बढ़ते हो एक्सपेक्टेशन से भी ज्यादा सो वेन यू मूव और प्रोग्रेस राइट सो वो होता है टाडी बहुत लेट लतीफ होकर लेजी होना काम को डिले करना ओवर ड्यू हो जाना इज दिन और उसे हम बोलते हैं टाडी

वर्ड अनपैलेटेबल चलो वेरी गुड एवरी वन तो जब हम अनपैलेटेबल की बात करते हैं इट इज नॉट प्लीजिंग टू दि टेस्ट जो टेस्ट मतलब अनप्लीजेंट होता है ना अनपैलेटेबल मतलब समथिंग विच इज अट्रेंज अनप्लीजेंट जो सूदिंग नहीं होता अच्छा नहीं होता और समथिंग ऑफ अनप्लीजेंट फ्लेवर यानी कि डिसग्रीएबल और अनप्लीजेंट बट समथिंग इज पैलेटेबल टेस्टी अग्रिएबल तो वो उसका एंटरनिम हो जाएगा नेक्स्ट वर्ड इज वेहमेंट वेहमेंट वर्ड भी हमने पढ़ा है अभी कुछ ही मतलब ऑलमोस्ट वन वीक बिफोर। बताइए वेहमेंट। ओके बॉयस्ट्रस सुना है बॉयस्ट्रस मतलब समथिंग वेरी लाउड नोइजी है ना जो कानों को चुभने वाला वैसे जब छोटे बच्चे चीखते हैं तो ऐसा लगता है कि कानों को एकदम चुभ रहा है इंटेंस भी बोलते हैं और बोस्ट्र भी बोलते हैं ठीक है बट समथिंग इज जेंटल काइंड माइल्ड सब तो वो उसका एंटरनिम हो जाएगा जैसे अ वहमेंट आर्ग्यूमेंट इन फेवर ऑफ एनवायरमेंटल कंजर्वेशन एनवायरमेंटल कंजर्वेशन को लेकर के उसने काफी इंटेंस बहस करी ठीक है नेक्स्ट इज पोरस वो सुना है सर्फ एक्सल पोर अप अप पोर, पोर पोर, पोर अप पोर, ठीक है तो बताओ पोरस ये एक्चुअली उसी से रिलेटेड ही है चलो

ना कोई भी एकदम होल नहीं होता उसमें तो वो होता है उसका एंटेनिम स्पंज क्या होता है ठीक है क्या होगा? देखो, करते जो, बहुत सारे कहने को फिफ्टी है लेकिन ये फिफ्टी के कम से कम अगरिम भी मिला लोगे ना तो एक वर्ड में हम कम मैक्सिमम सेवन टू एट वर्ड्स पढ़ रहे हैं तो 400-500 लगभग वर्ड्स हम पढ़ रहे हैं आज के डेज में, ठीक है? तो वेन वी टॉक अबाउट होना absolute, pure, utter, unmitigated, ये सभी आपके किसके अंदर आते हैं शियर के अंदर बट समथिंग इज क्वालिफाइड लेकिन क्वालिफाइड होकर इनकम्प्लीट होना ये इसका एंटरनिम हो जाएगा लेकिन कुछ दिख भी नहीं रहा है क्योंकि स्नो है माउंटेन्स में राइट नेक्स्ट इज डायक्ट डायलेक्ट क्या होता है जब हम डायलेक्ट की बात करते हैं तो वॉट यू मीन माई द वर्ड डायलेक्ट फटाफट से टाइम इज रनिंग अप चलो डायलेक्ट की बात होती है जब तो इट इज अ पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ लैंग्वेज दैट इज स्पेसिफिक टू अ रीजन और सोशल ग्रुप मतलब पर्टिकुलर रीजन की अपनी अपनी लैंग्वेज होती है है ना वैसे स्पेशल दैट डिफरेंट फ्रॉम स्टैंडर्ड मेन स्ट्रीम लैंग्वेज लाइकवाइज वी आर जस्ट स्पीकिंग इन लैंग्वेज जो हमारी इंडियन है लेकिन इफ यू गो विद द अमेरिकन एक्सेंट जैसे हो गया स्पैनिश हो गया फ्रेंच हो गया जर्मन हो गया सो दिस इज नोन एज डायलेक्ट जागन जिसे हम बोलते हैं यानी कि जैसे हम कह देते हैं, है ना? तो उससे कहावतेंट कर दिया डायलेक्ट so, तो क्या हो गया जो लैंग्वेज ऐसी होती है जो स्पेसिफिक टू अ रीजन और सोशल ग्रुप नेक्स्ट वन इज रेवेंचम रेवेंचम क्या होता है फटाफट से टाइमर नहीं दिख रहा ना तुम लोगों को ऊपर कर देते अब ठीक है रिवेंचिज्म जब हम रिवेंचिज्म की बात करते हैं री लगा है री मतलब कोई चीज दोबारा से होना कई बार मैंने बताया रिज्यूम री और रीसेट है ना दोबारा से सेट करना कोई चीज दोबारा करना सो so, रिवेंचिज्म की जब हम बात करते हैं एक ऐसी पॉलिसी एक ऐसी आइडियोलॉजी जो क्या करती है एडुकेटिंग डिस्कवरी ऑफ टेरिटोरियस ट्रेडिशनली परसीव्ड एज लॉस्ट और रिडीम्ड मतलब एक तरीके से बदला लेना है ना कि, किसी किसी पोलिटिकल प्रेशर में आकर के दैट इज अ डिजायर टू सीक रिवेंज और रीगेन स्टेटस बदला लेकर के अपना पुराना पद वापस पाना इज रिवें ठीक है सो रिवेंज रिक्रिमिनेशन और काउंटर अटैक कर देना बट अगर आपने माफ कर दिया फॉरगिव कर दिया कॉम्प्रोमाइज कर दिया तो वो क्या हो गया आपका इंटरिम नेक्स्ट वर्ड इज स्ट्रे स्ट्रे आपका एडजेक्टिव और वर्ब दोनों की तरह यूज होता है बताइए चल हम देखते हैं कि आ, स्ट्रे का मतलब होता है, है, है स्ट्रीट डॉग्स तो मतलब कहने का अंदर इधर उधर घूमना फ्रॉम और डायरेक्ट कोर्स और पाथ मतलब, मतलब जगह एक जगह पे ना रहना सो टू मूव अवे फ्रॉम द करेक्ट और प्रॉपर कोर्स टू वॉन्डर इधर उधर घूमना जो होमलेस होते हैं एरेंट होते हैं ड्रिफ्ट डिग्रेस और वीर भी हम बोलते हैं बट समथिंग इज गाइडेड प्रोसीडेड है ना यादेयर टू यानी कि जो फॉलो करते हैं है ना जो फॉलो करते हैं इधर उधर भटकते नहीं है वो होता है आपका उसका एंटरक्युलरिज्म सेक्यूलरिज्म क्या होगा सेक्युलरिज्म का मतलब फास्ट सेक्युलरिज्म सेक्यूलर होता है उसी से रिलेटेड है चलो वेन वी टॉक अबाउट सेक्यूलरिज्म क्या होगा यहाँ पे द प्रिंसिपल ऑफ सेपरेटिंग रिलीजन फ्रॉम गवर्नमेंट और पोलिटिकल अफेयर यानी कि जो पर्सन नॉन रिलीजियस होता है धार्मिक ना हो जो जो धार्मिक ना हो किसी भी पर्टिकुलर धर्म को मानता ना हो ठीक है तो इन रिलीजियसिटी रैशनलिज्म और ह्यूमेनिज्म बोलते हैं बट समथिंग इज डॉगमेटिज्म जियोलॉट्री जो सेक्यू सेक्युलर होता है रिलीजियस होता है वो उसका क्या हो जाएगा एंटेनिम हो जाएगा नेक्स्ट इज कर्टेल बताइए वॉट डू मीन बाय द वर्ड कर्टेल फटाफट से जल्दी से बताइए कर्टेल फटाफट एवरी वन टाइम इज रनिंग अप जब हम कर्टेल की बात करते हैं इसका मतलब टू रिड्यूस द लिमिट और एक्सटेंट ऑफ क्वांटिटी और समथिंग किसी चीज को रेस्ट्रिक्ट देना लिमिटेड कर देना है ना और बाउंडेशन सेट कर देना इज कर्टेल और बट आप किसी चीज को एनहस कर रहे हैं एनलार्ज कर रहे हैं और बढ़ा रहे हैं यू आर लेंदनिंग इट तो वो उसका एंटनिम हो जाएगा इन एन एफर्ट टू सेव कॉस्ट द कंपनी डिसाइडेड टू कर्टेल इट्स स्पेंडिंग मतलब कॉस्टिंग बचाने के लिए कंपनी ने क्या डिसाइड किया कि जो ऐसे खर्चे हैं जो जरूरी नहीं है उन पर रोक लगाना ठीक है नेक्स्ट इज डिस्ट्रेस नेक्स्ट वर्ड है डिस्ट्रेस बताइए जल्दी से डिस्ट्रेस जब हम डिस्ट्रेस की बात करते हैं इट मीन एक्सट्रीम सोरो बहुत ज्यादा दुखी होना बहुत ज्यादा स्ट्रेस्ड होना, यानी कि मतलब सब कुछ डिस्टर्ब हो जाता है टर्बुलेंस हो जाता है टर्मोइल हो जाता है टर्मल्टीस कंडीशन हो जाती है हम इसको टेमल्टियस भी बोलते हैं ठीक है थेके? तो वो हो गया बट समथिंग इज ऑफ सेटिस्फेक्शन वेलबींग तो वो उसका इंटरनिम हो जाएगा ठीक नेक्स्ट इज स्पार्स स्पार्स का मीन क्या होगा बताइए फटाफट से स्पार्स फटाफट चाइमा आप किसी ने बताया नहीं स्पार्स का मतलब चलो स्पार्स का मतलब होता है द थिनली स्कैटर्ड मतलब चीजें अलग अलग एकदम हो जाना मतलब बिखर जाना है ना और जो बहुत ही डेंस या क्राउडेड नहीं है बिखरी हुई चीजें वैसे भी अलग अलग ही रहती हैं तो सेल्डम स्केयर्स और फ्यू बट समिंग इज इन न्यूमरस प्लेंटी प्लेथोरा एम्पल तो वो क्या हो जाएगा उसका एंटरनेम हो जाएगा नेक्स्ट वर्ड इज ट्रेकरस ट्रेकरस क्या होता है बताइए वॉट डू मीन बाय द वर्ड ट्रेकरस फटाफट

Next is persecution. Persecution क्या होगा? I think मुझे टेन सेकेंड्स का टाइम देना चाहिए ना ट्वेंटी सेकेंड्स बहुत है तो लोग जल्दी जल्दी आंसर भी कर रहे हो तो मजा आ रही है परसिक्यूशन फास्ट एवरीवन जब हम प्रसिक्यूशन की बात करते हैं दिस इज द एक्ट और प्रैक्टिस ऑफ सब्जेक्टिंग अ पर्सन यानी कि किसी को दबाना आपका होता है डिस्क्रिमिनेशन ऑपरेशन किसी को अपने दबाव में रखना हरासमेंट ठीक है या टायरनी भी हम उसे बोलते हैं बट समथिंग इज ऑफ एम्ब्रेस रिस्पेक्ट आप किसी को रिस्पेक्ट करते हो तो उसका एंटरनिम हो जाता है नेक्स्ट वर्ड इज गुलिबल नेक्स्ट वर्ड क्या है गुलिबल बताइए जल्दी से What do यू मीन बाय द वर्ड 'gullible'? चल 'gullible' का मतलब होता है इजिली deceived और fooled, आसानी से जिसको बेवकूफ बना दो है ना बिकॉज ऑफ अ लैक ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग क्योंकि वो ढंग से सोचने समझने की शक्ति उनके अंदर नहीं है जजमेंट लेने की शक्ति उनके अंदर नहीं है ठीक है तो वो होता है गुलिबल ठीक उसे हम क्या बोलते हैं गुलिबुल बोलते हैं ठीक है अनसोफिस्टिकेटेड सिंपल और ड्यूपेबल बट इफ यू आर केयरफुल सस्पिशियस वेरी सो दैट इज नेक्स्ट वर्ड इज एक्ट एक्ट बताइए वॉट यू मीन बाय द वर्ड एक्साबेट एग्जासबेट की जब हम बात करते हैं टू मेक अ सिचुएशन कंडीशन और फीलिंग मोर इंटेंस और वर्स कर देना है ना किसी भी तरीके की सिचुएशन हो कंडीशन हो है ना उसको और ज्यादा खराब कर देना जैसे कि इंक्रीज ऑगमेंट एक्सजरेट ठीक है तो बढ़ा देना किसी चीज को टेंशन है तो और उसमें दो बातें बोल दो और टेंशन हो जाए राइट नेक्स्ट वर्ड इज प्लमेट प्लमेट क्या होगा वॉट यू मीन बाय द वर्ड प्लमेट जब हम प्लमेट की बात करते हैं इट मीन टू फॉल और ड्रॉप स्ट्रेट डाउन एट हाई स्पीड कोई चीज बहुत तेजी से जब नीचे गिरती है उसे हम बोलते हैं दैट इज प्लंच प्लस टम्बल लेकिन कोई चीज वही आगे बढ़ती है ग्रो होती है अपसर्ज सर्ज अपटेक तेजी से आगे बढ़ना इज इज नेक्स्ट वर्ड बढ़नाड का मतलब क्या होता है वॉट यू मीन बाय द वर्ड ग्ली जब हम ग्लीन की बात करते हैं इट मीन ऑप्टेन और कलेक्टेड मतलब जो आपने नॉलेज ऑप्टेन करी है या कलेक्ट करी है और जैसे अभी आप लोग अपनी पढ़ाई के लिए अलग अलग सोर्सेज अलग अलग बुक्स रेफर करते हो कि किससे क्वेश्चन हम अच्छे से प्रैक्टिस कर लें किससे हम टेस्ट अच्छे से दे लें सो यू ऑप्टेन इट सो दैट मीन नोन यू आर ग्लिनिंग राइट एकटेड हार्वेस्टेड और ओवर सीन तो उसका इंटरनिंग हो जाएगा नेक्स्ट इज बॉनहमी बॉनहमी क्या होता है वर्ड बॉनहमी bon जब हम बॉनमी bon की बात करते हैं दैट इज श्योरफुलस जेनियलिटी है ना कॉम्रेडरशिप यानी जो जैसे हम बोलते हैं ना कमरेडरी है ना एक फ्रेंडशिप वाली भी फीलिंग उसे हम बोलते हैं लेकिन जहां पे फॉर्मेलिटी आ जाए वहां से बोनमी bon हट जाता है यानी स्टिफनेस और फॉर्मेलिटी नेक्स्ट वर्ड इज एक्सपीडेटिंग एक्सपीडेटिंग क्या होगा जल्दी से एक्सपीडेटिंग वेन वी टॉक अबाउट एक्सपीडेटिंग इट मीन द एक्ट ऑफ मेकिंग प्रोसेस एक्शन मेकिंगशन मोर क्विकली एक्सपीडाइट करना मतलब बहुत जल्दी जल्दी चीजें करना रश इन अ रश वे इन अनर स्ट्रीम लाइनिंग एडवांसिंग बट समथिंग

झूठ ठीक है बट समथिंग इज ऑथेंटिक जेन्युन ऑनेस्ट वो उसका एंटेनिम हो जाएगा नेक्स्ट इज क्या होगा फटाफट डू मीन बाय द वर्ड निपिंग निपिंग का मतलब होता है निपिंग जैसे कि चिली और कोल्ड के, के सेंस में एक तो यूज होगा दूसरा द एक्ट ऑफ पिंचिंग और बाइटिंग विद टीथ तो होता है ना निपिंग दांत काट लिया किसी को कोई चीज कोल्ड है आईसी है चिल्ड है तो वो भी हो जाएगा तो ब्रिस्क बाइटिंग फ्रॉस्टी आईसी शार्प यह सब निपिक के सिननिम्स में आ जाते हैं अकॉर्डिंग टू दी वॉट अकॉर्डिंग टू वॉट बताओ किसके थ्रू हम्मी की आईसी के अकॉर्डिंग नेक्स्ट इज एवेंज एवेंज का मतलब क्या होता है बताओ वॉट डू मीन बाय द वर्ड एवेंज एवेंज की बात करते हैं बेसिकली ये रिवेंज की बात करता है किसी से बदला लेना तो एवेंज वेंज फुल जैसे हम बोलते हैं इसको हम एक क्या बोलते हैं फुल। है ना बदला लेना तो रेट्रीब्यूट विंडिकेट या रेड्रेस करना एंटेनिम की अगर हम बात करें तो पार्डन एब्सॉर्ब फॉगेट या इग्नोर कर देना ठीक तो वो हो गया एवेंज नेक्स्ट इज डेप्रिडेशन डेप्रिडेशन क्या होता है

तो वो उसका एंटेनिम हो जाता है नेक्स्ट इज प्रिसिंक्ट प्रिसिंक्ट क्या होता है यू नो अबाउट द वर्ड प्रिसिंक्ट चलिए जब हम precinct की बात करते हैं सो दिस इज काइंड ऑफ अ सेक्टर जोन जो पर्टिकुलर एरिया या जोन या पर्टिकुलर टेरिटरी जो होती है विद इट्स ओन डिफाइंड बाउंड्रीज तो वो होता है प्रेसिंक्ट एंटेनिम क्या होगा वाइल्डनेस और आउटस्कर्ट ठीक है चलो नेक्स्ट वर्ड बेलिजरेंट बेलिजरेंट क्या होगा वट यू मीन बाय द वर्ड बेलिजरेंट जब हम बेलिजरेंट की बात करते हैं मतलब एक पर्सन और अनेशन जो किसी कॉन्फ्लिक्ट में एंगेज हो अनफ्रेंडलाइनेस जहां पे अग्रेशन हो गुस्सा हो फाइट हो कॉम्बेटिव मतलब फाइट हो ठीक है उसे लेकिन अगर शांति भरा माहौल है एमिकेबल है फ्रेंडली है फ्रेंडली रिलेशन है नेशन के बीच में तो वो उसका एंटरनिम हो जाता है नेक्स्ट वर्ड इज डेलीबरेटिव 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 क्या होता है सो व्हेन वी टॉक अबाउट डेलीबरेटिव इट मीन जो थॉटफुल हो आप प्रॉपर सोच समझ करके अगर कोई काम करते हो तो वो होता है डेलिबरेटिव राइट विद प्रॉपर डिसीजन ऑफ एन इन अ फॉर्मल और थॉटफुल मैनर यू कंसिडर इट राइट नेक्स्ट इज रेबिल रेबिल एवरी वनोज रेबल एवरी हम रेबिल की बात करते हैं इसका मतलब जो हम इंसरेक्शन इन्सरेक्षिन वर्ड अभी हमने तीन चार दिन पहले पढ़ा है है ना जो आपके खिलाफ हो है ना मटीरियर उसे हम बोलते हैं पर्सन अपोज और राइजेस अगेंस्ट अथॉरिटी जो अथॉरिटी के खिलाफ खड़ा हो जाए है ना कहते हैं वो तो अपने माँ बाप के खिलाफ चला गया सो रेबलियन उसे हम बोलते हैं ठीक है इसी तरीके से दो तीन आपके कुछ और वर्ड्स हैं ये सारे वर्ड्स आपको पीडीएफ में जरूर मिल जाएंगे सो आप इसके लिए परेशान मत हो ये। सारे नए वर्ड्स हैं ये सारे वर्ड्स आपको अभी पीडीएफ के रूप में जरूर मिल जाएंगे So, कहीं जाने की जरूरत नहीं है और सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें टिल देन थैंक यू एवरी वन सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन नेवर मिस एन अपडेट